जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विभिन्न पदों पर व्यापम के माध्यम से समिति स्तर पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर पहुंचे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती एवं व्यापम के माध्यम से समिति चयन द्वारा भर्ती करने आदेशित किया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले पदाधिकारियों ने जिला सहकारी मर्यादित बैंक के प्राधिकारी राजन साहू से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। साथ ही कहा कि राज्य स्तर पर कार्यरत सहकारी समितियों हेतु अनुमोदित कर्मचारी सेवा नियम 2012 की कंडिका की ट्रिप से स्पष्ट प्रावधानित है कि समितियों में समिति प्रबंधक का पद पदोन्नति का पद है, इस हेतु पदोन्नति हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कर्मचारी सेवा नियम 2018 जो कि पंजीयक द्वारा अनुमोदित है कि कंडिका 5 से भी समिति संवर्ग समिति प्रबंधक पद संरक्षित किया गया है। इस संबंध में संभाग अध्यक्ष जागेश्वर साहू और बैंक प्राधिकारी राजन साहू ने जानकारी दी। अभी छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की भर्ती निकली है लगभग 522 पर। इसमें समिति प्रबंधक की भर्ती भी होनी है, उसमें 50% व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती है, सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं, और जो 50% है वो भी व्यापम के माध्यम से होगी, लेकिन उसमें जो पूर्व के हमारे कर्मचारी हैं सेवा सहकारी समितियों में जो काम कर रहे हैं उनको 50% जो पद रहेंगे उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, उसके जानकारी हमें प्राप्त हुई है और आया भी है सेवा नियम में। ये लोग मांग कर रहे थे कि सीधा भर्ती व्यापम से ना हो बल्कि सीधे हम लोगों को प्राथमिकता देने के साथ साथ व्यापम से परीक्षा देने ना हो, लेकिन व्यापम से निकला हुआ है जो गवर्नमेंट के नियम है, शासन का जो नियम है उसका पालन होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या करें, अधिक का अनुभव होना चाहिए और स्थानीय जो वहाँ के सीओ होंगे जिस ज़िले के समिति में कार्यरत लोग होंगे उनको वो प्रमाण पत्र देगी कि ये 7 वर्ष से अधिक इनको काम करते हो गए। सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के बैनर तले आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत आदरणीय श्री राजेंद्र साहू जी को कर्मचारी बैंक भर्ती के संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। जी, जिसमें समिति में विगत कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी जो समिति में कार्यरत हैं उनका सीमित परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से लिया जाना जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अभी क्या है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल में कई वर्षों से कर्मचारी अनुभवी हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीमित परीक्षा आयोजित ना हो और सीधे समिति में कार्यरत कर्मचारियों को सीधे बैंक भर्ती में समायोजन किया जाए, इस संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं। अभी वर्तमान में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के माध्यम दुर्ग को 96 पद समिति प्रबंधक का पद है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।